आज हम FPO को लेकर कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि किसानों के सामने अक्सर आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार, KLC में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, एक गांव या एक क्षेत्र में कितने FPO हो सकते हैं? कोई कहे कि दो पहले से हैं तो क्या तीसरा FPO बनाया जा सकता है? तो देखिए, आप चाहे जितना FPO बनाना चाहें आप बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बात आती है एक परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो एक परिवार में 100 सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन वो खुद को अगर किसान साबित कर पाए तो। तो हमारा अगला सवाल है कि अगर ज़मीन पिता के नाम पर है तो क्या करें? तो ऐसे मामले अक्सर आते रहते हैं, खासकर हमारे UP में। जब तक बुजुर्ग जिंदा रहते हैं तब तक खतौनी बेटे के नाम नहीं आती है। तो ऐसे में आपको एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि जिला कृषि अधिकारी या तहसीलदार या SDM बनाते हैं। यह सर्टिफिकेट बन जाने के बाद चाहे आपके पास खतौनी हो या ना हो, लेकिन आप एक किसान माने जाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, क्या 100 किसान एक ही गाँव या एक ही क्षेत्र विशेष से हो सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं। वो 100 किसान चाहे अलग अलग राज्य से हों या अलग अलग शहर से हों या अलग अलग गांव से हों, कहीं से भी हो सकते हैं या एक ही जगह से हों। और हमारा अगला प्रश्न है कि FPO से क्या होगा? तो देखिए, FPO से जुड़ जाने के बाद आपको किसान की तरह नहीं, आपको एक व्यापारी की तरह सोचना होगा। सिर्फ फसल उगाना ही नहीं, आपको मार्केटिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्टिंग और ब्रांडिंग भी सीखना होगा। इस तरह आप अमूल जैसी एक नई कंपनी बना सकते हैं। आपको MSP पर नहीं, आपको सेल्फ ट्रेड पर ध्यान देना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि एक सफल FPO कैसे बनाएं? तो देखिए, आपको आपस में बैठकर चर्चा करनी होगी और विभिन्न मुद्दों पर बात करनी होगी। और आप सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, वैसे ही आप सभी लोगों की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, FPO बन जाने के बाद आपके पास 5 डायरेक्टर हों या 10 सदस्य हों, और 10ों में कोई बेहतरीन फसल उगाना जानता हो, कोई बेहतरीन मार्केटिंग करना जानता हो, कोई बेहतरीन ब्रांडिंग पैकेजिंग जानता हो, कोई लिखने या पत्राचार का एक्सपर्ट हो, तो इस तरह से जब आप सभी लोग एक टीम की तरह काम करेंगे तो आपके FPO का भविष्य बहुत ही बेहतरीन होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।